वो देखिए सामने पे उस झरने की बात कर रहा था मैं, काफी प्यारा लग रहा है। जैसे ही दोस्तों अभी मॉर्निंग में मैंने मुंह हाथ धोया, जैसे मैं बाहर का मौसम देखने गया तो गाइस बाहर का मौसम देखो फुल बारिश वाला हो रखा है और चारों तरफ कुरेड़ा ही कुरेड़ा लग रखा है, तो ब्यूटीफुल मौसम हो रखा है अभी मस्त। अभी मुंह हाथ तो धोने के लिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं एकदम बढ़िया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब भी मस्त होंगे। और आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट की थोड़ी सी लेट हो रही है, तो बात काफी मजा आने वाला है ब्लॉग में, तो अभी दो तीन मिनट से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो चलो पहले मुंह हाथ धो लिया, अभी नाश्ता करते हैं पहले, फिर उसके बाद चलते हैं दुकान की ओर। तब तक के लिए तो जो हमारे घर के ठीक सामने पे ये वाला पेड़ है ना, इसमें देखो खूब सारी घास आ रखी है, मतलब खूब सारी पत्ते, मतलब हरी भरी घास आ रखी है इस वाले पेड़ पे। बाकी ये भी आजकल हरे भरे लग रहे हैं पूरे पेड़। बाकी सावन के महीने जो घास फूस होती है वो काफी बड़ी बड़ी होती है, तो हरी भरी लग जाती है पूरी पूरी चारों तरफ। देखो यहाँ पे पूरा हरा भरा लग रहा है और उधर तक, और हमारे बीच बीच में कुछ सब्जियां बो रखी है। तो बारिश हो रही थी, बाकी अभी मौसम थोड़ा सा बारिश रुक चुकी है, तो अभी मतलब दुकान जाने लायक हो चुका है मौसम। बाकी मेरे दोनों छाता निकाले गए थे कि कब बारिश आएगी, तो अभी ठीक हो रहा थोड़ा मौसम, तो चलते हैं दुकान। दोस्तों अभी रोटी खा ली है और ये देखो बच्चे भी आ चुके हैं स्कूल के लिए। दुकान पे पहुंचते ही पहले मैंने दुकान का काम निपटा दिया है और अभी दुकान का लगभग सारा काम हो चुका है पूरा, तो अभी आ रखे हम नीचे पे। बाकी यहाँ से ब्यूटीफुल मौसम चेक करो, और मौसम तो सुबह से बारिश ही वाला हो रखा है, तो किसी भी टाइम बारिश आ सकती है। तो शाम को शायद 3 बजे लगभग मेरा कुछ काम था, मतलब फतेड़ू, तो 3 बजे लगभग हम फतेड़ू भी जा सकते हैं, तो वो आप लोगों को ब्लॉग में पता चल जाएगा आप जाएंगे तो। दोस्तों मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ मम्मी लोग भी जाएंगे और दीदी लोग भी जाएंगे, तो पहले मैं हिलास पे जाऊंगा और हिलास से मैं मतलब गाड़ी यहीं से मतलब आएगी, तो हिलास से मैं बैठूंगा, मम्मी लोग यहीं से बैठ जाएंगे। तो दिन में लगभग 3 बजे लगभग हम जाएंगे फतेड़ू और उसी टाइम पे आ जाएंगे। जो भी होगा सीन आप लोगों को ब्लॉग में पता चल जाएगा, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। चलिए दोस्तों, मैंने एक बैक कवर मंगाया था इस फोन का, वो पहुंच चुका है देहरादून। बाकी मैंने उसको मंगाया था अमेजोन पे और वो अभी देहरादून पहुंच चुका है, तो एक दो दिन में यहाँ पहुंच जाएगा, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे है वो कवर। बैक कवर था इस फोन का, वो कहीं मिल ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा ऑनलाइन ही मंगा देते हैं, तो फाइनली आ चुका है और एक्साइटमेंट गाइस, देखते हैं कैसा है वो, फिर आप लोगों को मैं ब्लॉग में बता दूंगा। बाकी मैंने जो कवर मंगाया था देखते हैं वही वाला कवर दिया उन्होंने कि दूसरा दिया, मुझे तो लगता है कि वही वाला दिया होगा। बाकी कभी कभी होता है दूसरा कपड़ भी दे देता हूँ, तो देखेंगे जो भी होगा वही कपड़ मुझे लगना चाहिए कि वही कपड़ आना चाहिए, क्योंकि वो बहुत मस्त कपड़ था और वो इस फोन पे काफ़ी अच्छा भी लगेगा, तो जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। तो अभी फाइनली हिलास होटल पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे देखो भाई साहब अभी खा रहे हैं खाना। तो अभी हम भी थोड़ी देर में खाना खाते हैं और अभी पहले भाई साहब खा रहे हैं फिर उसके बाद हम भी खाते हैं, और अभी खा रहे हैं खाना। ये देखो अभी बैठ रखे हैं यहाँ उस्ताद जी, मैनेजर भी हैं ये और उस्ताद भी हैं, और इनके जो गर्दन है ना इस पे जसक आ चुकी है, ये देखो इनकी गर्दन भांगी हो रखी है, जसक आ गई इनकी कमर पे, मतलब गर्दन पे बहुत भयंकर भागी। है कड़ी तो बम बम भेज दे यार,
कौन चाहे दोस्तों, थोड़ा बहुत काम हो गया था तो अभी फ्री हो चुका था, खाना खाते हैं। पहले भूख भी लग चुकी है, चलो और बाहर देखे दोस्तों, बारिश चालू हो चुकी है। फाइनली दोस्तों खाना खा लिया है और बाकी बाहर देखो बारिश हो रही है और इसी बारिश में भीगने का काफी मन कर रहा है क्योंकि कल ही हुई थी बारिश और उससे पहले नहीं हुई थी एक दो दिन तक, तो अभी बारिश लग रही है मस्त वाली। तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। बाकी मेरा अभी पतोड़ू थोड़ा काम था, मम्मी लोग और मेरा दीदी लोग भी जाएंगे साथ में, तो देखते हैं अभी दिन के करीब 1:30 बजने वाला है तो 3 बजे तक लगभग हम चले जाएंगे यहाँ से, फिर उसके बाद दुकान पे जाएंगे। तो शायद यार बारिश रुकी नहीं रही तो ऐसे में जाने में खतरा भी है, तो देखते हैं जो भी सीन रहेगा। मम्मी लोग को शायद मैंने अभी फ़ोन किया था तो अभी थोड़ी देर में जाएंगे, तो तब तक थोड़ी देर मतलब बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं तब तक के लिए। कि दोस्तों ये वाला जो कीड़ा है ना बहुत भयंकर काटता है पैरों को, इसको बोलते हैं पहाड़ी में जोंक। ये देखो इसने कितना सारा खून पी रखा है, पेट इसका फुल हो गया। यार जो काम रहेगा तो पहले उसको निपटाते हैं, फिर उसके बाद मैंने यहाँ फतेहड़ू भी जाना है अभी, तो टाइम भी हो ही चुका है तो अपना काम निपटाते हैं पहले, फिर मिलते हैं। फाइनली फतेहड़ू से आ चुके हैं, तो जो काम था हमारा बैंक में बट वो तो हो चुका है। तो मैंने वहाँ पे ब्लॉग नहीं बनाया था, बारिश हो रही थी वहाँ तकड़ी वाली, फिर वहाँ मतलब ब्लॉग बनाने का वो टाइम भी नहीं मिला, तो हम एकदम से दुकान पे आ चुके थे। तो चलो अभी आ चुके हैं दुकान पे, चलो सही जो टाइम भी हुआ काम हो चुका हमारा। तो बाकी अभी मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, बाय, मिलता आपको आपके पास थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। तो अभी टाइम का पता ही नहीं चला, तो रात भी पड़ने वाली है तो घर चलते हैं टाइम से, और बारिश भी हो रही है थोड़ा थोड़ा, तो चलते हैं जल्दी जल्दी घर। और उसके बाद मेरे पास काम था तो काम निपटा लिया था, फिर टाइम का पता ही नहीं चला और हल्का अंधेरा होने वाला है। बाकी ये देखो शाम का मौसम, सुंदर सा मौसम है, बाकी यहाँ से आ रहा है मस्त वाला पानी। गाइस अभी फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं, बाकी ये वाला मंदिर जो मैं लेके आया था गाइस, इसको लेके आया था मैं अभी, और कमेंट करना आप लोगों को प्यारा लगा हो तो प्लीज कमेंट करना, कमेंट में हर महादेव जरूर लिखना। तो मैं जसवीर भंडारी मिलता हूँ आपसे जल्दी से नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय, और कमेंट में हर महादेव लिखना ना भूलें।